मथुरा में निजी अस्पताल के एम्बुलेंस चालक ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक निक्की रावत बुरी तरह घायल हो गया। युवक के मुताबिक वो अपने दोस्त के साथ एटीएम से पैसे निकालने गया हुआ था, जहां उसकी एम्बुलेंस चालक से कहासुनी हो गई। एम्बुलेंस चालक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निक्की को एम्बुलेंस में बंधक बनाकर उस पर हमला किया और घायल अवस्था में युवक को छोड़कर भाग गए। हमलावरों ने मोबाइल और कैश भी लूट लिया। युवक के मुताबिक एम्बुलेंस मथुरा के नियो अस्पताल की बताई जा रही है। फिर वहाँ से हम निकले तो एटीएम से पैसे निकालने आए हैं विशाल मेगामार्ट वाले से। वहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़े तनिष्क ज्वेलर पे, तो तनिष्क ज्वेलर पे पहुँच के वो एम्बुलेंस एक साथ निकली है और उसने सीधे मतलब भैया पे सारे सरिया दिए, फिर मुझे मारा है वो भैया। मतलब मेरा हाथ पकड़े तो उन्होंने भैया में हाथ में भी डंडा दिया है, वो भैया बेहोश हो गए। मुझे उठा के एम्बुलेंस में 8 जनों ने डाल के और ऊटर चला दिया था ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए आवाज़। और फिर मुझे बहुत मारा है, पंच से मारा था ये, मतलब कि जितना भी लग रही है मेरे ये सब पंच और सरिया डंडे वगैरह से अंदर मारा है मुझे। एक ड्राइवर को छोड़ के बाकी सब मार रहे थे मुझे।